करके बता रहा है, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी की जगह तो आने वाला है क्या? आ जाओ चलो स्नेल बाबू रीड कर। और तीनों ही नाम पसंद नहीं है मुझे, महेश सुरेश और योगेश। ओके आइटम रीड करो। ए बाबू रीड कर, नहीं जाओ घर जाओ, पढ़ू पूछ रही है इधर, क्या टेम्पर करने के लिए आ रही हो? पढ़ो देखो आइटम, देखो सब क्या क्या दिख रहा है उसमें। कैपिटल दिख रहा है महेश का, सुरेश का, योगेश का, कोई दिक्कत है उसमें? नहीं। उसके बाद देखो क्रेडिटर दिया हुआ है 12,000 का, अपन एक्सटर्नल लाइबिलिटी अपन ट्रांसफर कर सकते। लोन पिछले क्वेश्चन में पार्टनर का लोन था, इधर किसी का नाम दिया है? यानी कि ये लोन कौन सा होगा? और इसका मारेगा ना घुसने पे घुसा घपा घप, एक्सटर्नल ना रे। पार्टनर का लोन है तो मतलब इंटरनल है, क्योंकि पार्टनर का है, समझा? ये पार्टनर का है क्या, तो किधर का हो गया, अब समझा? थोड़ा पीपा कम करने का। आ जाओ नेक्स्ट आइटम देखो क्या दिया है। सस्ती है, फर्नीचर दिया है, सुंदरी एसेट दिया हुआ है, डेटर है, और डेटर के नीचे माइनस है कि नहीं? घरी घरी आए ना घरी, हाँ ठीक है, माइनस दिया हुआ है तो माइनस करेंगे अपन, ऑपोजिट साइड लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। उसके बाद स्टॉक दिया तुम्हारा, और उसके बाद कैश, कोई भी ऐसा आइटम जो तुमको नहीं आता हो? नहीं, सब आता है, वेरी गुड। ठीक खाली करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो पहला क्या दिया है, कैपिटल दिया है, कौन सा साइड पे ट्रांसफर करेगा उसको? डेबिट साइड कैसा बोल रहे हैं? हाँ तो ठीक है, तो यहाँ लिख दूं मैं बाय। बाबू क्या लिखूंगा? ए चुप, सब गलत गलत सिखाने में लगे हो, हित तुम आधा टाइम सोते है तो तुम सोते रहो, हाँ वो सिखाएगा। बाबू तुम बोलो, हाँ रुक जा, अरे उसका मुंडी क्या दिख रहा है, वो भी तुम्हारे जैसा ही है। बाय, हाँ आगे बाय क्या लिखने का आगे? अरे क्वेश्चन में क्या है रे, इधर बात करता हूँ तो बाय के आगे क्या? बाय गो गरी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा बाय बाय, ऐसा? अरे कितना बार सिखाया, क्या लिखा जाता है? बाय बैलेंस। अरे कौन से जमाने, 2028 में पेपर देने का विचार है क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू बोलना। ए मुंह मारी मत करो, चुपचाप बैठो। दूसरा, तीसरा, 40,000। दूसरा क्या दिया देखो, क्रेडिटर। अच्छा क्रेडिटर इंटरनल है एक्सटर्नल है? अपने को क्या मालूम, हमको पूछते है बता, हम तो एग्जाम में कॉपी करने वाले हैं, देखो हमको पूछ रहे हैं, एक्सटर्नल है बराबर बोल रहा है ये? हाँ तो कहाँ पे लिखू? सुंदरी, यहाँ लिख दू बाय सुंदरी लाइबिलिटी अंडरलाइन। पहला आइटम क्या आएगा उसमें? क्रेडिटर्स। वैल्यू क्या है? 12,000। इनर में लिख दू ना, लोन कितना वैल्यू है? 12×3 कितना हो गया? नक्की चले, लाइबिलिटी साइड का पार्ट क्लियर हो गया? ए बाबू समझ रहा है? उसके बाद देखो एसेट साइड पे जाओ, एसेट वाला आइटम किधर ट्रांसफर करेंगे अपन? डेबिट साइड। कॉन्फिडेंट से बोल, अटक गया, कौन सा साइड ट्रांसफर करोगे? डेबिट साइड। और देखो आइटम क्या क्या दिया, फर्नीचर है, सुंदरी एसेट है, तो अंडरलाइन। पहला आइटम क्या था? फर्नीचर का वैल्यू बोलो, 2000। अबे 2000 कैसा होता है, 2000 बोलती है, 2000, वेरी टैलेंटेड। फर्नीचर का वैल्यू क्या है? 2000। सन्ड्री एसेट कितना है? 34,000। उसके बाद क्या दिया है? डेटर्स। अच्छा डेटर्स का वैल्यू क्या लिखू, 48 सबसे बड़ा वाला मैंने बोला था, जो भी है कुछ भी चाहिए तो सबसे बड़ा वाला ही चाहिए। क्या मतलब, जो भी हो सब बड़ा ही हो? अरे भाई
वैल्यू क्या है भाई? डेटर्स का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 48,400। कोई दिक्कत है इसके अंदर? उसके बाद देखो आरडीडी दिया, आरडीडी इधर लिखूं क्या? वहां पे लेस लिखा है, लेस का मतलब है इसका ऑपोजिट साइड, तो मैं यहां लिख सकता हूं जाके आरडीडी और कितना है 2400। इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? तुम्हारा फेवरेट स्टॉक और कितना है 15600। लिख सकते हैं अपन? वैल्यू बोलना उसका, तो मालूम है मेरे को भी। उसके बाद एसेट साइड है तो कौन सा साइड ट्रांसफर होना चाहिए? डेबिट साइड। तो क्रेडिट में कैसे भाग जाती हो रे? तो यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा ना बाबू, क्या लिखू? तो चुप, क्यों गलत गलत सिखा रहे हो उसको? हाँ बाबू तुम बोलो। तो आई डोंट नो व्हाई आर यू आस्किंग मी, हु द हेल आर यू टू आस्क मी? अबे मैं थोड़ी एग्जाम में लिखने वाला, मैं तो कॉपी करने वाला हूँ, बराबर। अभी बताया ना इधर बैलेंस जब भी निकाल के बाहर से लेगा तो वैल्यू क्या लिखने का है? अबे बारहवीं में मैंने अभी बताया कि जब भी आप एसेट में या एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे तो सेपरेट अकाउंट बनाने पे जो अमाउंट है वो पुराना पैसा पड़ा हुआ है या पुराना खाते में हिसाब किताब पड़ा हुआ है उसका, तो इसीलिए उसको बैलेंस वर्ड यूज कर दो। तो जब उसको अलग निकाला है तो वो क्या लिखोगे आप? बैलेंस, ठीक है? शर्माची बोल रहा है, वाओ। हाँ जा चलो, ओके नेक्स्ट है। ए बाबू एडजस्टमेंट पढ़ो। देखो माँ बाप का नाम बता दिया है, मुबारक हो। तो महेश इज टू टेक फर्नीचर, तो मैं कैश बैंक के बारे में कुछ बात करूंगा क्या? किसका नाम लिखूंगा? तो महेश इज टू टेक फर्नीचर एट 1600 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000, यानी कि 40 फर्नीचर 1600 रुपए में जाएगा 16,000 में, और डेटर्स कितने में जाएगा? 40,000। आगे अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो क्या चूरन दिया उधर, एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 एट 34, 40,000 का यहाँ पे ज्यादा देखना, डेटर्स 48,400 का है। देखो डेटर्स 48,400 का अपने पास, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पे करूं छिड़कानी 48 नहीं बोला तो तुम्हारी कुछ है क्या? 48,400 का, ये बात क्लियर है? इसमें से उसने क्या बोला कि इसमें से 40,000 का तो बचा कितना? इसमें कोई दिक्कत? वो क्या बोलता है 48,400 का डेटर में से 40,000 का डेटर 34 में लेके गया, समझ में आया? रुक रहे भाई, रुक रहे, ये कितने में गया? अभी इसका काम तो करना बाकी है, समझ में आ रहा है? देखो मैं बोल रहा हूं तुम सब भाजी वाले हो, ये आलू बैंगन बेचती है, ये कांदा बेचता है, नहीं ये आलू बेचता है, क्या बेचता है? गवार। आ जाओ, इलिटरेट वेजिटेबल गवार। ये देखो तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इतने का भाजी लेके आए, कितने का भाजी लेके आए? और इतने का क्या हुआ? नहीं आएगा इतने का भाजी? इतने का भाजी लेके आए और इतने का भाजी में से इतने का भाजी इतने में बेच दिया, अरे होता है ना। अब इतना बड़ा ठेला लेके आए उसमें टमाटर रख, अरे रट्टा क्या हुआ? थोड़ा दिमाग लगाना। देखो इतना बड़ा बाकड़ा आप लेके आए, उसके ऊपर में आपने 48,000 का टमाटर भरा, बराबर है? अब उसमें से आपने 40,000 का माल बेचा, लेकिन जितनी भी लेने आई वो सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तो तुम महंगा बेचोगे या सस्ता? अपना बस चले तो फ्री में दे दे, बराबर। लेकिन फिर अगली बार प्रॉब्लम, तो 48,000 के टमाटर में से आपने 40,000 का टमाटर बेचा, लेकिन सबको कितने लोग कौन आया था? सब तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड को खुशी खुशी में आपने कितने में बेच दिया है? 34,000 में। अब कम में बेचो चाहे ज्यादा में बेचो, हमारे अब्बा का कुछ जा रहा है? नहीं, तेल लेने का। कितने में बेचा वो इंपॉर्टेंट है। अभी भी कितने का बाकी है? इतने का माल अभी भी बाकी है, शायद से अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई वापस से तो
तो आप इतने का माल शायद एक्स्ट्रा अमाउंट में बेच दो, और फिर से आठ टपकी तो शायद से कम में बेचोगे, लेकिन बेचोगे। तो वही यहाँ पे हुआ है कि डेटर्स 48 का वही देखो उसने पढ़ा कि डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000, ठीक है, इज सपोज टू बी क्या किया एट 34 ओनली, यानी 40,000 वाले को 34 में निपटाया है, तो 40 वाले को 34 में निपटाया, तो 40 में अभी कितने का बाकी रहेगा तुम्हारा 8,400 का बाकी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे जाके बात करेगा, तो हम इससे रिलेटेड आगे जब देखेंगे तभी। अभी फिलहाल 40 वाले को आपने कितने में निपटाया, तो मैं इनडायरेक्टली ये अज्यूम करूं कि यहाँ 48 नहीं लिखा, कितना लिखा है 40 लिखा है, और मैंने बेचा कितने, तो आप इतने का माल शायद एक्स्ट्रा अमाउंट में बेच दो, और फिर से आठ टपकी तो शायद से कम में बेचोगे, लेकिन बेचोगे। तो वही यहाँ पे हुआ है कि डेटर्स 48 का वही देखो उसने पढ़ा कि डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000, ठीक है, इज सपोज टू बी क्या किया एट 34 ओनली, यानी 40,000 वाले को 34 में निपटाया है, तो 40 वाले को 34 में निपटाया, तो 40 में अभी कितने का बाकी रहेगा तुम्हारा 8,400 का बाकी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे जाके बात करेगा, तो हम इससे रिलेटेड आगे जब देखेंगे तभी। अभी फिलहाल 40 वाले को आपने कितने में निपटाया, तो मैं इनडायरेक्टली ये अज्यूम करूं कि यहाँ 48 नहीं लिखा, कितना लिखा है 40 लिखा है, और मैंने बेचा कितने में 34 में, बराबर है, और माँ बाप का नाम दे दिया है, दे दिया, और आगे क्या बोलते हैं, ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 एट दैट फिगर, मतलब 12 का 12 में, ठीक है, तो निपटाएंगे एक एक करके। पहले डेटर एसेट साइड का निपटाए, क्या क्या बोला था उसने, फर्नीचर, दूसरा आइटम क्या बोला, डेटर्स, बराबर ना, हाँ, एक बोल फर्नीचर डेटर्स हो गया, और दूसरा आइटम क्या निकाला, स्टॉक भी बोला है ना, क्रेडिटर है, फर्नीचर है, डेटर्स है, ओके लड़की, इसलिए मैं बोला जरा पीपा कम करो, और क्रेडिटर्स, ठीक है, तो इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर, और नाम किसका दिया है, तो मैं पहले इधर वाला निपटाऊं, तो यहाँ पे बाय महेश कैपिटल अकाउंट, बराबर है, और क्या क्या निपटाया उसने, फर्नीचर, और दूसरा क्या है, डेटर्स, बराबर है, अब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 40,000, बराबर है, 40,000 का निकाला कितने में हम लोगों ने, और फर्नीचर का कुछ वैल्यू बोला है क्या उसने, फर्नीचर 1600 बोला है ना उसने, तो फर्नीचर हम 1600 कंसिडर कर रहे हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का, टोटल करके अमाउंट कितना आ जाएगा, 35,600, इसमें कोई दिक्कत, पहले इसका क्रॉस पोस्टिंग कर ले, ये बाय साइड, तो महेश के अकाउंट में टू, महेश ना 35,600, इसमें कोई दिक्कत। अब उसके ने क्या बोला, देखो यहां देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ना, कि उसने ये दो आइटम बेचा बाबू 34 और 1600, तो 35,600 हो जाएगा, ओके ओके। देखो अभी यहाँ पे है ना, ओल्ड बुक और न्यू बुक के हिसाब से प्रॉब्लम आ रहा है, किसी के बुक में 34,400 है और किसी के बुक में 34 है, अब मेरे पास में 34 है, एक बार क्रॉस चेक कर लो 34, हाँ ये लोगों ने बुक के अंदर में प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है, 216 पेज नंबर पे जो अमाउंट लिखा है ना उसको बदल के 34,400 कर दो, 34,400 कर दो, पेन देना मेरे को भी एक पेन बाबू, प्रिंटिंग मिस्टेक को परमानेंट चेंज किया करो कभी भी, पेंसिल नहीं, 34,400 है, ठीक है, तो हम भी चेंज कर लेंगे, हाँ तो अभी राउंड फिगर बढ़ जाएगा उसका, 34,400 था ना वो, हाँ तो अभी 36 हो जाएगा ये, बराबर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, अब यहाँ चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 30, कोई दिक्कत इसके अंदर, अच्छा उसके बाद कौन सा, ये वाला तो निपटा दिया अपन, अभी इधर का बाकी है, इसका मतलब क्या हो रहा है वो देखो, कि महेश ने क्या बोला था मालूम है, तू टेंशन मत ले, फर्नीचर और डेटर में बेच के, यानी कि ये लोग फर्नीचर बेच के पैसे आएंगे, डेटर लोगों के घर पे जाऊंगा उधर से पैसे निकाल के लाऊंगा, पैसे जमा होंगे ना, तो कितना जमा हुआ 36, और वो पैसे लेके मैं 12,000 रुपए का जो है क्रेडिटर निपटाते हुए आऊंगा, क्योंकि शायद से वो माल वाला वही बाजू में रहता होगा, तो वो बोला रहेगा कि 36,000 मेरे पास आएगा, रास्ते में जाते जाते उसको 12,000 देते हुए आ जाऊंगा,
और वही स्टेटमेंट उसने पास किया हुआ था कि महेश इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट रुपीज 1600 डेटर्स ऑफ 40 एट रुपीज 34 ओनली. और आगे बोलता है ही एक्सेप्ट्स द क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 एट दैट वैल्यू. मतलब जितने का था उतने में. तो अब ये वाला भी निपटाएंगे, माँ बाप का नाम दिया हुआ है तो बट वैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो महेश कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं क्रेडिटर्स. और कितने में निपटाया, 12,000. नहीं समझा, किसको नहीं समझा, ये पक्का समझा या नहीं समझा, समझा बढ़ू आगे. तो यहाँ पे टू तो क्रॉस पोस्टिंग, कोई दिक्कत इसमें, है कितने का टोटल 34,000. और 34 में से सन्ड्री एसेट ऑफ 16,000, तो यहां से 16,000 साइड हो जाएगा, यहां पे कितने का बचेगा बराबर. तो अब 16,000 का वो कितने में लेके जा रहा है बोला उसने, 14,400 कितने में भी लेके जाए हमको उससे मतलब है क्या, नहीं. हमको मतलब किसका है कि पैसा आना चाहिए एट द एंड. क्यों, आने वाले टाइम में कंपनी एग्जिस्टिंग नहीं रन करने वाले हो ना, तो एट द एंड पैसा आ जाए बस, वो इंपॉर्टेंट है. और कुछ लेके गया है क्या सुरेश, बस इतना ही. तो सुरेश के नाम पे क्या क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहला आइटम उसने किसके बारे में बोला, सन्ड्री एसेट और स्टॉक. तो यहां पे भी वही सीन है ना कि 16,000 का अब बचेगा कितना, कोई दिक्कत इसके अंदर पक्का. तो यहां पे अभी मैं किसका नाम लिख दूंगा, ये सब निकलेगा तो इस साइड बाय क्या नाम आएगा, सुरेश का कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन. और क्या क्या चीज लेके गया वो, सबसे पहला स्टॉक कितने में लेके गया, देखो 15,600 का 14,000 में लेके गया, तो मैं यहां 14 लिख सकता हूं ना. और उसके बाद दूसरा आइटम क्या लेके गया, यहां से 16,000 वाला लेके गया है, कितने में लेके गया है, तो यहां लिख सकता हूं के सन्ड्री एसेट्स और 16,000 वाला लेके गया है वो 14,400 में, 14,400. और ये कितने का था, 16,000 का, कोई दिक्कत, यानी कि 16,000 का निकल गया. अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है और टोटल करके आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 28,400, कोई दिक्कत. तो यहाँ पे बाय, तो यहाँ पे अब देखो वापस नीचे जाके लिखो टू रियलाइजेशन, नहीं यहाँ पे हम स्पेस खाली है ना, यही लिख दो जाके. समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, देखो सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है कि योगेश ने क्या बोला है, योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग एसेट्स. अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने कि एसेट था 34 का, 34 में से एक शायद फर्नीचर होगा जो 16,000 का था, तो वो 16,000 वाला बिकवा दिया हमने 14,400 में, बचा कितना है 18. तो ये 18 वाला योगेश क्यों पीछे रहे, योगेश बोला भाई अच्छा लग रहा है कंपनी तो बंद कर रहे, मेरे घर में अच्छा दिखेगा, मैं लेके जाता हूँ, मैं मेरी जेब से पैसा दे दूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब में लिखवा देना, बराबर है. तो योगेश टेक ओवर कितने में, 16,000 में, तो ये 18,000 वाला भी अब निपट जाएगा ना. और कितने में निपटा है, कोई दिक्कत इसके अंदर, एक आइटम तो क्लियर है, इसको जाके करूं, इसको जाके पहले लिख दूं, ओके. तो यहां पे देखो ये वाला था ना सन्ड्री एसेट, तो ये वाला बचा हुआ है 18, तो अब इसको निपटाएंगे. और ये कौन लेके गया, कौन लेके गया, योगेश का कैपिटल अकाउंट. और कितने में लेके गया वो, 16,000. और कुछ लेके गया है क्या, ठीक है लोन तो बट वैसे ना इस साइड है तो अपने को इधर करना है, इसलिए मैंने आउटर कॉलम में लिखा. तो देखो अब आगे क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि 16,000 रुपए का फर्नीचर यानी कि रिमेनिंग एसेट जो था वो कितने में, सॉरी 18,000 वाला रिमेनिंग एसेट वो 16,000 में लेके गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं. इसके आगे का स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है, एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ व्हाट, ऑफ लोन. समझ में, तो उसने क्या बोला कि ये जो है ये मैं लेके जाऊंगा और इसके बाद में जो लोन है ना उसका जिम्मेदारी मैं भर के आ जाऊंगा. समझ में आया, क्या बोला उसने, मैं भर के आ जाऊंगा. अब ये भरने के लिए लोन का है कितना वैल्यू, 3,000. अगर क्वेश्चन बोलता के अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोन एट रुपीज 2,000, तो हम ये अज्यूम करते
कि लोन था 3,000 का, बट हमने कितने में निपटा दिया चूरन दे के उसको, 2,000। बट क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला है क्या? तो हम ये अज्यूम करेंगे 3,000 का लोन था, ये 16,000 में से उसने 3,000 भर दिया, कोई दिक्कत? और आगे लेकिन कुछ बोलता है, टुगेदर विद अक्रूड, अक्रूड को अंडरलाइन करके लिखो और लिखो उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या है, ये भरना बाकी था, तो ये ब्याज पे लिया रहेगा ना पैसा 3,000, और उसने भाई साहब लोगों ने ब्याज भरा ही नहीं है, और भरेंगे कैसे जब कंपनी बंद होने जा रहा है, मतलब हालात बहुत बुरे हैं, और जब हालात बुरे हैं तो बापू है क्या, नहीं है, और बापू ने तो कर्जे पे कर्जा तो चढ़ेगा ही, सही बात है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है उसका ऑन लोन, 60 रुपीज, और आगे वो बोलता है विच इज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब बुक में नहीं लिखा है इसलिए तो देखो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड नहीं दिख रहा है, नहीं तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड क्वेश्चन के अंदर में 30 रुपीज है ना, 60 रुपीज का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखा होना चाहिए था, बट तुम्हारे जैसा अकाउंटेंट होगा ना इसलिए तो लिखना भूल गया, फिर मेरे जैसा आ गया होगा, और उसने एडजस्टमेंट में जाके बताया कि भाई साहब इतना इतना अमाउंट ब्याज का बाकी है जो आपने लिखा नहीं है, तो जाके कृपया करके भर दो। तो बोला भाई टेंशन मत ले, 16,000 रुपए मेरे पास आ रहा है ना, मैंने बेचा है कंपनी के पास में 16,000 रुपए आने वाला है, उस 16 में से मैं 3,000 भी देके आ जाऊंगा और वो 60 रुपया भी देके आ जाऊंगा। तो अब ये 3,000 भर रहा है, इसको अंडरलाइन किया, कौन भर रहा है, तो यहाँ पे आके टू योगेश अकाउंट, बराबर कितना, योगेश का कैपिटल अकाउंट है, और ये क्या है लोन, और साथ के साथ इंटरेस्ट कितना बोला था 60 रुपीज, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 60 रुपीज, कंबाइन करके कितना हो गया 3060। समझ में आया क्या किया? अब यहाँ पे टू, तो यहाँ पे बाय, अब देखो वापस नीचे आके लिखूं, बट मुझे मालूम है योगेश का जगह खाली है ना, इधर ही जाके लिख दो 3060, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? yes. किसके दिमाग में नहीं चढ़ा, क्लियर है? लास्ट बेंच बाबू, हाँ एक नंबर, देखा तुम लोग का ध्यान ही नहीं है, ये योगेश यहाँ पे बाय, तो यहाँ पे टू, तो यहाँ लिख दूं मैं, अरे तुम चाहते हो मैं गलती कर लूं, है ना, यही कारण है कि नहीं बता रहे हो, बराबर है। उसके बाद में क्या आगे क्या बोलता है कि देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर रुपीज 540, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है 540, किसी माँ बाप का नाम दिया है तो किसका नाम लिखोगे, और एक्सपेंस है तो जाहिर सी बात है गलती से आपको मालूम है, बचपन से सीख रहे हो कि आप लोग पैदा हो गए ये गलती हो गया एक्सपेंस बड़ा तो यहाँ पे किसका नाम नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस, तो बाय कैश नारे, बराबर है, और कितना है 540, इधर टू, तो कैश में, और क्या लिख दूं मैं, क्या लिखूं भाई, बाय तो लिखा है, बाय के आगे क्या, रियलाइजेशन, क्या बोलते हैं, हाँ क्या है वैल्यू, तुम लोग जब लास्ट मोमेंट पे आते हो ना तो तुमको पढ़ाना, इसका मतलब है बोना आदमी ऊंट की पीठ पे बैठा है उसकी कमर खुजाना मेरी गलती हो गई, इतना डिफिकल्ट काम होता है जब तुम लोग गुटलियां मारते हो तो, समझे, वो तो हर दिन होता है तुम लोग का तबियत खराब। नेक्स्ट आइटम क्या बोलते हैं, पढ़ो जरा, ए बाबू पढ़ना, कुछ समझ में, रिमेनिंग डेटर यानी कि पुराना वाला, इसको इरेज करूं, वापस डेटर वाला लिखता हूं, डेटर कितने का था, अपन ने किया था ना यहाँ पे, बराबर ना, डेटर था टोटल मिला के 48,400, इसमें से 40 वाला डेटर निकल गया था ना, और कितने में निकला था वो 40 वाला डेटर, 34,400, तो बचा कितने का था,
8,000। और ये 8,400 वाला डेटर ने क्या बोला, ये भाई पैसा वैसा नहीं आने का, नहीं ले तो डंडा लेके मारेगा तुमको। और एट दी एंड जब थोड़ा मस्का पॉलिश मारा, भाई भाई किया, तो बोला चल ठीक है रो मत, 4,200 पड़ा जेब में लेके जा। तो अब कितने का भी हो, कितना मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? और कौन निकाल के लेके गया, कुछ बोला है किसी का नाम? तो किसका नाम आएगा, तो यहाँ पे लिख दू मैं बाय कैश अकाउंट। और ये क्या रियलाइज किया मैंने, डेटर। और कितने में रियलाइज किया है, 4,200। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब यहाँ पे बाय, तो कैश बैंक के अंदर में बराबर ना बाय, तो यहाँ पे 2। और क्या लिखूंगा मैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कितना लिखूं, 4,200। नहीं समझ में आया? अब क्लियर हुआ? इसलिए मैंने बोला कि अगर हिस्सा बाटम बटी करेगा ना, तो बचे हुए के ऊपर में फोकस करना। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, ये लास्ट का स्टेटमेंट नहीं देता ना, तो भी मुझे खुद होके जाके ये लिखना पड़ता, और उस टाइम पे मैं कितने पे लिखता, 8,400, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी पैसा जो है वो मेरे को पूरा मिल चुका है। और कुछ बाकी है इसके अंदर? और क्या बाकी है? तो अब सब तो हो गया, और कुछ बाकी है? नहीं बाकी है ना। अब टोटल मारो फटफट फटफट, कितना आ रहा है? हैवी साइड कौन सा है वो देखो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1,00,000 ना, टोटल है 1,15,000। अच्छा ये साइड हैवियर है या ये साइड हैवियर है? ये साइड हैवियर है, यानी कि एसेट ज्यादा है। हाँ, और लाइबिलिटी, ये टोटल मिला के कितना रहा, 1,00,000, 1,12,13,14,15, 1,15,500, 600, 1,00,000, 1,15,000। कौन बोलता है तुमको इतना पीपा करके आने को? असर दिख रहा है साथ में बैठे के इनवाइट कर दिए तुमको वो बोलने के लिए पब्लिक महंगा बोलती है, लेकिन जैसे यहाँ से निकले बाजी में अड्डा दिखा गए अंदर, ए भाई 30 रुपए लगे ना। अब आदमी बटअप वैसे ब्रांड बोलेगी उसको तो यहाँ पे कितना बचा, 13,600। तो यहाँ पे लिख दू 13,600। और ये किसमें बटेगा, पार्टनर लोग का रेशियो क्या था, कुछ बोला है क्या? तो इक्वल जाएगा, और इक्वल करके बताओ कितना आ रहा है। तो देखो पार्टनर, देखो मैं छोटे छोटे में एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरे को एडजस्ट कर लो हाँ प्लीज। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन क्या क्या नाम था, महेश, सुरेश और योगेश, डिवाइड करके आंसर दो, 4,533। लास्ट का 4 हो जाएगा ना, जब 0.33 आ रहा है तो लास्ट वाले को 4 कर देना। अब यहाँ पे देखो बाय, तो इधर पे ए बाबू नहीं समझा आपको, यहाँ पे 2 4,533 बराबर ना, 4,534। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब किसको उड़ाएंगे, इसको ले लो फटफट इसको। यहाँ देखो, यहाँ 16 और ये 4, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है मुझे, और यहाँ ऐसे देखने पे कम मालूम पड़ रहा है, 14, 15, 16, 17, 600 यहाँ है। तो ये वाला हैवियर है ना, कितना हो गया, 20,534। माइनस करके आंसर दे दो जरा जल्दी, 20,534। यहाँ कम है ना, तो यहाँ डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत? इसका डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है, कोई आया क्या बाहर? टोटल कैलकुलेट कर रहा है कि कॉपी कर रहा है, इतना बोल दे कितना आ रहा है, 3,004। ओके अच्छा, वैसे इसका कर सकते हो, यहाँ 28 दिख रहा है और यहाँ 20 दिख रहा है, मतलब ये साइड हैवियर है देख के मालूम पड़ रहा है, तो ये दोनों बाजू आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है, 28 बराबर, 28
32, 500 and 33 कितना आ रहा है 30। हाँ तो 9 ही बोला मैं, हाँ तो 5 में फिर 4 बाद में बोला ना मैं, कितना आ रहा है यहाँ पे 32 900 and 33। हाँ तो ये दोनों बाजू लिख सकता हूँ क्योंकि ये हैवियर है, ये इतना तो समझता है, ये तो समझेगा अपने को 32 9 33। और इसमें से कितना माइनस कर रहे हो 20, तो बचेगा कितना 12,933। अब यहां देखो, यहां 36 दिख रहा है और 4, ये 40 है और इसका यहां पे ऑलरेडी 55 दिख रहा है, मतलब ये साइड हैवियर है, तो इसको ले लो फटफट। इसका बताओ मेरे को कितना आ रहा है 65, 66, 67। कोई दिक्कत इसमें? 67 माइनस करो 40 माइनस करेगा ना अपन 34 और ये 500, ये 4 मतलब 40 माइनस किया तो उसके बाद 50, 60 मतलब 27 और 27 में और 500 कम कर दो। हाँ तो माइनस किया ना, तो इसलिए तो 4 पे आ गए हम लोग। कितना बच रहा है? यहाँ डिफरेंस आएगा अभी कितना आएगा 26 4 60 7 7 6 बराबर है। अब देखो ये दोनों बैलेंस है और इसको हम लोग को क्लोज करने के लिए किधर कैश में जाओगे, तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट और यहाँ पे भी टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत? ये टू तो ये बाय, और कहां से ले रहे हो, कौन सा अकाउंट है ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम है ये? महेश ना, तो यहां पे लिखा 2426 467। अब वैसे यहां का ले लेना, ये बाय साइड है तो ये आ जाएगा 2। वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन क्या नाम था? सुरेश और योगेश। अब वैल्यू क्या लिखोगे? और दूसरे का, अच्छा इसको टोटल करना, टैली करने पे सेम आना चाहिए। देख लेना, चेक कर लेना, उतना ही आना चाहिए। आया राइट है? अरे मेरे को आता है, एग्जाम में जाना नहीं आएगा तो वही लिखता आलिस वेल, तो टीचर भी बोलेगी उसी वेल में तुम जाओ और डूब मरो। यहां तक क्लियर है? सिंपल था, पक्का नल्ला चैप्टर है, एकदम नल्ला चैप्टर है। अच्छा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में है, मालूम है ना? yes. तो या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो या तो ये जो मर्जी हो वो करो। कौन सा करने का है?